बाइट इसने बाइट कर दिया है आई। और ये जगह सांपों से भरी पड़ी है, ढूंढने पे हम दर्जनों सैकड़ों सांपों को ढूंढ सकते हैं, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। सांप ढूंढने के चक्रों में मुझे मिली है एक अंगूठी, शायद सोने की हो। एक ही जगह पे हमें दो सांप मिल चुके हैं, पप्पी तो बनती है। Assalamualaikum and welcome to Wild Rush. आज इस जंगल में पानी वाली नहर के किनारे मैं ढूंढने के लिए निकला हूं एक एशियाटिक वाटर स्नेक को ढूंढने के लिए, पानी वाले सांप को ढूंढने के लिए, जो कि एक सेमी एक्वेटिक स्पीशी है, जिसका मतलब है हमारा वो सांप पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है। मुकम्मल तौर पे नॉन वेनमस और हार्मलेस सांप है, जिसका मतलब है अगर वो सांप आपको बाइट भी कर ले, काट भी ले, तब भी आपको कुछ नहीं होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो इतने सारे पानी में, इतनी बड़ी नहर में हम अपने उस सांप को किस तरह से ढूंढेंगे? पानी का मसला है, नो वरी, क्योंकि पानी, नहर का पानी सूख चुका है। वो लम्हा आ गया है जिसका था मुझे इंतजार। साल में ये नहर जो है दो बार सूखती है, गर्मियों में और सर्दियों में। जब भी नहर का पानी कम होता है, लोग जाल उठा के मछलियां पकड़ने के लिए आ जाते हैं, और जब भी जाल पानी से बाहर निकाला जाता है, मछलियों के साथ आते हैं कछुए भी और बहुत सारे हमारे वाटर जैकेट कील बैक स्नेक। लोग उन सांपों से डरते हैं क्योंकि वो उनको जहरीला समझ के मार देते हैं। तो इस पानी में आज हम ढूंढने वाले हैं अपना कंटेंट, वाटर जैकेट कील बैक स्नेक। इस पानी में यकीनन बहुत सारे सांप होंगे इस तरह की जगहों पर। वो जो सामने आप झाड़ियाँ देख रहे हैं उसके नीचे अगर मैं हाथ पाँव मारूंगा तो बहुत सारे सांप भी निकल सकते हैं, टर्टल भी निकल सकते हैं, लेकिन ये चलता हुआ पुल है, यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रैफिक रहती है। मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा और आपके सामने हम जो है लाइव ढूंढने वाले हैं अपना सब्जेक्ट। तो अभी हमने एक परफेक्ट हैबिटेट ढूंढना है जहाँ पे हमें हमारा सब्जेक्ट मिल जाए। ये काम मैं पिछले साल भी करता रहा हूँ, उससे पिछले साल भी करता रहा हूँ, लेकिन तब मैं इस तरह की वीडियोज़ नहीं बनाता था। तो आप ये नहर का किनारा देखें, जो बड़े साइज़ के सांप होते हैं वो इस किनारे से बहुत आसानी के साथ ऊपर चढ़ जाते हैं और इस तरह की फसलों में घुस जाते हैं। इस तरह की फसलों में जो भी बड़े दरख्त होते हैं उनके आसपास छोटे मोटे सुराख होते हैं, तो सर्दियों में वो सांप उन सुराखों में चले जाते हैं। और जब भी किसान लोग जो है दरख्तों की कटाई करते हैं, झाड़ियाँ वगैरह काटते हैं, तो उनको वो सांप नज़र आ जाते हैं और वो सांप मारे जाते हैं। तो हम फसलों में नहीं जाने वाले, मैं आपको नहर के किनारे ही लेके चलूँगा, नहर के पानी में लेके चलूँगा और आपको मैं सांप ढूंढ के दिखाऊँगा। तो अभी आप ये हैबिटेट देखें, सबसे पहले इस तरह की जगहों पे वो घुसना पसंद करते हैं, रहना पसंद करते हैं। इस तरह के पानी में आप उनको बहुत आसानी के साथ देख सकते हैं। मछलियों के छोटे छोटे पूंग जो होते हैं वो भी आपको यहाँ पे तैरते हुए नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे सांप नहीं है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक है और लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो इस वजह से आई एम 100% कन्फर्म कि यहाँ पे हमारा सांप नहीं मिलने वाला। तो कौन कौन सी जगहों पर आप ढूँढ सकते हैं, मैं आपको ले कर चल रहा हूँ वहाँ पर। तो अभी हम पहुँच चुके हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हमें चांस मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, और हमेशा हर सीज़न में मुझे वहाँ से सांप मिलते हैं। तो ये सुराख देखें नहर में, जब भी ये सुराख होगा वहाँ पे इस सीज़न में सांप मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हमारी लोकल ज़ुबान में इस चीज़ को कहा जाता है मोगा, क्योंकि इस सुराख के थ्रू लोग, किसान अपनी फसलों को पानी लगाते हैं। तो अभी आप देखें यहाँ पर थैले भी पड़े हैं, बहुत सारे पत्थर भी पड़े हैं। तो आपने इस तरह की कोई स्टिक, ये मैं गन्ना ले रहा हूँ जो मुझे इधर से ही मिला है, आपने इसको हिलाना झुलाना है। हलचल हुई, इस तरह के जो सुराख होते हैं वहाँ भी आपने चेक करना है, और ये जो है वहाँ पे सांप मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब ये देखे थैले पड़े हुए हैं, तो थैलों के नीचे ऊपर चेक करना है अच्छे से, आपने गन्ना या किसी छड़ी से आपने चेक कर लेना है। मूवमेंट हुई तो समझ ले सांप है। पानी के अंदर तो नहीं हो सकते, लेकिन सर्दी है, सर्दियों में इस तरह की किनारों वाली जगहों पे, अरे अरे एक चीज़ दिखाऊं मैं आपको, एक सांप ने अपनी स्किन शेड की हुई है, ये देखें
मुझे उसके पीसीस मिले हैं सही तरह से। ये देखिए सांप की स्किन है ये, और ये है भी कोबरा, वाटर चैकर किलबैक स्नेक की स्किन नहीं है ये। इस तरह का जो सुराख होगा वहां पे भी आपने चेक करना है। नहीं, कितनी अच्छी जगह है एक सांप के छुपने की, इस तरह की जगहों पे आपने अच्छे से चेक करना है। तो ये देखिए कितना बड़ा सुराख है, और काफी सारी जगह है हमारे सांपों के छुपने की। अगर मैं आपको नीचे भी दिखाऊं तो ये देखिए, तो आप देखें इस तरह की जगहों पे आपने ईंटें उठा उठा के चेक करना है। फिलहाल मुझे एक अंगूठी मिली है। सांप ढूंढने के चक्करों में मुझे मिली है एक अंगूठी, शायद सोने की हो। तो कैमरामैन इसको फिलहाल रखो। अभी ये देखे कितनी प्यारी, ओ तू मिल गया है हमें, हमारा पहला सांप जो है वो मिल चुका है। अगर देखे वो देखी, वो है हमारा सांप, देखे वो रहा। अभी उसको बाहर निकालना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ओए दो है, दो, एक वो, एक मोरा, एक मोरा, एक मोरा, एक ही जगह पे हमें दो सांप मिल चुके हैं। लेकिन आप अच्छे से चेक कर लें ये ना हो कोई जहरीला सांप भी हो। एक ही जगह पे हमें मिल चुके हैं दो सांप, लेकिन इनको बाहर निकालना थोड़ा सा मुश्किल का काम है। मैं एक स्टिक लेके आता हूँ। तो ये देखें अभी इस तरह से हम अपने सांप को निकालने वाले हैं बाहर। तो ये देखें ये स्किन स्टिक से इसको निकालना पड़ेगा। आया 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 आया। तो ये रहा हमारा आज का पहला सब्जेक्ट, दूसरा भी है उसको भी मैं निकालता हूँ। फिलहाल इसको मैं रख देता हूँ इधर। आए तो अभी हम निकालते हैं अपना दूसरा, वो सामने बैठा हुआ है। पकड़ लिया है। तो ये रहा हमारा आज का दूसरा स्नेक, पहले वाला कहाँ है वो रहा। तो एक ही जगह पे हमारे दो सांप हमें मिल चुके हैं। इनको थोड़ा सा साफ करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाऊं मैं। कितने खूबसूरत हैं, लेकिन ये जहरीले नहीं हैं। इनको फिलहाल अपने बैग में डालते हैं, और थोड़े बहुत आपको और हैबिटेट दिखाता हूँ अगर मिले मिले ठीक, वरना इन्हीं की इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद हम इनको रिलीज़ करेंगे। और आज का हमारा कंटेंट, आज की हमारी वीडियो जो है फिर ख़त्म होगी। तो इस जगह पे हम सैकड़ों दर्जनों सांपों को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये सारे का सारा हैबिटेट जो है हमारे सांपों का है, और ये जगह सांपों से भरी पड़ी है। आप वो दरख्त देखें, उस दरख्त के ऊपर आपको घोंसले नज़र आ रहे होंगे। ये घोंसले हैं बाया बीवर बर्ड के। फिलहाल हम उनके ऊपर नहीं चलेंगे क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं सांपों को। तो पानी में घुसने से आपने घबराना नहीं है, इस तरह की जगहों को आपने चेक करना है। अगर आपके पास स्टिक है तो स्टिक से अच्छे सेफ्टी ग्लव्स पहन के, क्योंकि मैं इस जगह पे बहुत दफ़ा आ चुका हूं और मैंने बहुत ज़्यादा सांपों को हर साल जो है यहाँ से रेस्क्यू करता हूँ, पकड़ता हूँ, तो मुझे इस जगह का अच्छे से आइडिया है। इस तरह की जगहों को आपने अच्छे से चेक करना है। हमने दो सांप ढूंढ लिए, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस करवाना चाह रहा हूँ कि किस तरह की जगहों पे सांप हो सकते हैं, और आप उनको कैसे ढूंढ सकते हैं। सांप जो है आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छे से महसूस कर लेते हैं।
आम नॉर्मल रूटीन में क्या होता है, जब आप सांप ढूंढ रहे होते हैं तो आपकी नज़र सिर्फ आपके आसपास वाले एरिया में होती है, लेकिन आपने आगे भी देखना है क्योंकि सांप जो है आगे भी रेंगते हुए भाग सकते हैं, आपकी वाइब्रेशन को फील करके वो आगे आगे जा रहे होते हैं आपसे, तो आपने आगे भी नज़र रखनी है और इस तरह के एरिया में भी। देख कितना घना जंगल है आगे, हम आगे नहीं जा रहे हैं, हम फिलहाल किनारे किनारे पे रह रहे हैं। तो हमें मिल चुका है हमारा आज का तीसरा सांप और वो भी है हमारा वाटर जैकेट कील बैक स्नेक। देखिए किस तरह से सूखी रेत में छुपा हुआ था और ये बाकी दोनों सांपों से साइज में बड़ा है। ये रहा, ये देखिए, ये रहा कितना खूबसूरत है और सूखी रेत में किस तरह मज़े से छुपा हुआ था। तो इसको भी धो लेते हैं हम। ये देखिए साइज़ में बड़ा है लेकिन ये अपनी मैक्सिमम लेंथ में नहीं है। मैं ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली बड़े साइज़ का सांप ताकि मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। मैंने आपको कहा था कि इस तरह की जगह पर जहाँ भी आपको पत्थर या थैले नज़र आए तो आपने अच्छे से उनको चेक करना है। तो ये रहा हमारा आज का चौथा सांप, लेकिन साइज में सबसे छोटा है और ये भी पानी से निकल के खुश्की पे बैठा हुआ है। ये देखें दो सांप ये और बाकी भी निकालते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि मैं एक ही सांप को बार बार दिखा रहा हूँ। तीसरा और चौथा। तो मेरे ख्याल से इतने काफ़ी हैं, ढूंढने पे हम दर्जनों सैकड़ों सांपों को ढूंढ सकते हैं लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये है हमारे वाटर जैकेट कील बैक स्नेक जो कि सांपों की क्लोब्राइडी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और इस फैमिली में ज़्यादातर हार्मलेस और नॉन वेनमस सांप होते हैं। जैकेट कील बैक स्नेक का साइंटिफिक नेम है फॉलिया पिस्कैटर और इसको ज़िनोट्रोपस पिस्कैटर पिस्कैटर भी कहा जाता है, लेकिन आमतौर पे जो ज़्यादातर इनका साइंटिफिक नाम जाना जाता है वो है फॉलिया पिस्कैटर। तो ये सांप बहुत गुस्से वाले सांप होते हैं, देखें इन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया है और एक दूसरे को बाइट करना शुरू कर दिया है। ये सांप कोबरा की तरह फन फैला के अपने प्रेडेटर्स को डराने की कोशिश भी करते हैं। जब इनको किसी इंसान से या किसी प्रेडेटर से ख़तरा होता है तो ये अपना हल्का सा सर उठा के फन फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि इनका प्रेडेटर डर जाए। तो ये सांप टोटली हार्मलेस और नॉन वेनमस होते हैं, अगर ये आपको बाइट भी कर लें तब भी आपको कुछ नहीं हो सकता। ये देखें इसका गुस्सा चेक करें, अभी मैं इसे बाइट इसने बाइट कर दिया है। आई बाइट इसकी थोड़ी सी पेनफुल है, देखिएगा थोड़ी ही देर में मेरी स्किन से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा और बाइट इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये सांप जहरीले नहीं होते। तो ये सांप एशियाटिक वाटर स्नेक भी कहलाते हैं क्योंकि ये पूरे के पूरे एशिया में पाए जाते हैं। ये सांप आपको पाकिस्तान में, इंडिया में, अफ़गानिस्तान में, ईरान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में नज़र आएंगे और दूसरी कंट्रीज़ में भी इस तरह की जगहों पे आपको नज़र आ सकते हैं जहाँ पे नहरें होंगी, जहाँ पे खाले होंगे, जहाँ पे तालाब होंगे, झीलें होंगी, ये सांप आपको वहाँ पे नज़र आएंगे। इन सांपों को पिस्की वोरस कहा जाता है। आपने ओमनीवोरस और हर्बीवोरस सुना होगा, आज सुन लें पिस्की वोरस उन सांपों को कहा जाता है जो कि पानी के अंदर पाई जाने वाली छोटी मछलियों को, छोटे पूंग को, छोटे एम्फीबियंस को, डड्डुओं को, मेंढकों को खाना पसंद करते हैं। तो मार्च से लेके मई तक इन सांपों का ब्रीडिंग सीज़न होता है। एक फीमेल जो है 4 से लेके 100 के करीब अंडे देती है और उन अंडों की हिफाजत भी करती है। नॉर्मली क्या होता है, दूसरे सांप अंडे दे के चले जाते हैं लेकिन हमारी
जैकेट की बैग स्नेक जो है ये अपने अंडों की हिफाजत भी करती है तब तक जब तक अंडों से बच्चे नहीं निकलते। तो पानी के किनारे, पानी से दूर एक छोटा सुराख ढूंढ के, अच्छी जगह ढूंढ के ये अंडे देती है और फिर उनकी हिफाजत भी करती है। ये साइज़, ये सांप जो है अपनी मैक्सिमम लेंथ में नहीं है, अभी आप देखें ये तकरीबन 2 फीट के करीब है, लेकिन ये सांप 5 फीट के करीब भी हो सकते हैं। गुस्से वाले सांप होते हैं, इसलिए बार बार आपके ऊपर अटैक करते हैं, लोग इनको जहरीला समझ के मार देते हैं। तो ये थी हमारे जैकेट कीलबैक फोलिया पिस्केटर सांप के बारे में शॉर्ट सी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। ठंडे पानी में, सर्दी में, पानी में इन सांपों को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल का काम होता है, लेकिन अगर आप इनके बारे में एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हैं तब आप इन सांपों के बारे में इल्म भी हासिल कर सकते हैं, दूसरों को बता भी सकते हैं और इनकी जान भी बचा सकते हैं। तो इन सांपों को एक अच्छी सी जगह पे छोड़ देते हैं। अगर आप इन सांपों के बारे में कुछ भी जानते हैं कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरे इल्म में और वीडियो देखने वालों के इल्म में इजाफा हो। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ को प्रमोट करना है, वाइल्ड लाइफ की आगाही देना है, इंफॉर्मेशन शेयर करना है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ पाकिस्तान में हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ इंडिया में हो, श्रीलंका में हो, बांग्लादेश में हो, दुनिया के किसी कोने में भी हो। अगर आप वाइल्ड लाइफ से प्यार करते हैं तो आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो ये पानी में किस तरह से तैरते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ एक अच्छी सी जगह पर। तो ये पानी थोड़ा सा साफ है और अभी हम इनको करने वाले हैं आज़ाद, लेकिन आज़ाद करने से पहले पपी तो बनती है। बाय बाय मेरे दोस्तों, जरा बच के और जियो अपनी जिंदगी।